आज हमने अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग ली थी, जन चेतना पार्टी हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए और उनके दूरंदेशी फैसले जो उन्होंने पिछले 10 साल में लिए हैं और आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के लिए उनके मन में हैं, जो जनता के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको देखते हुए ये फैसला सब ने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी पूरे प्रदेश में, प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी और उनके लिए काम करेंगी, ताकि देश में बहुमत के साथ, पिछले चुनाव से भी ज़्यादा बहुमत के साथ एक सशक्त मजबूत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सके, उसके लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयासरत रहेंगे और पूरी निष्ठा के साथ घर घर जाकर उनकी नीतियों का प्रचार करेंगे और उनके समर्थन के लिए वोट मांगेंगे। आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया और साथ ही अंबाला में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, उनका भी शहर में, गांव में, सिटी में, कैंट में, नारायणगढ़, यमुनानगर, जगाधरी, पंचकूला, कालका और सभी सीटों पर जाकर हम प्रचार करेंगे और हमारे जहाँ जहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं सभी कार्यकर्ता उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी जीत निश्चित करेंगे। मैं आपके सामने जो बात अभी पंडित विनोद शर्मा जी ने कही है, मैं वही बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाएँ, ताकि जो काम, अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं, वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है पिछले 10 साल में। मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, जिस भारत को जिस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर सके, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हम सबका मानना है और हम सब प्रयास करेंगे, प्रयासरत हैं कि बड़ी जीत उनकी होए आने वाली 25 तारीख को और तीसरी लोकसभा चुनाव।